आज के इस अगले एपिसोड में हम आपके साथ दिलीप कुमार, सिक्की आर्टिस्ट भागलपुर के, और आप जो वीडियो में देख रहे हैं कि हमने जो पहले दिखाया था कि हमने जो पेंटिंग बनाया है, और आपने कहा, हमने कहा भी था आप सभी से कि हो ना हो कल आपके साथ हम आपको बताएंगे आकर के। तो मैंने संत मैरिज स्कूल में पहली बार ट्रेनिंग दिया, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं ने लाइक भी किया, कमेंट भी किया कि आप हमें सिखाइए भी। तो हमने 3 दिन का ट्रेनिंग रखा, और 3 दिन के ट्रेनिंग में आप ये देख रहे हैं, आप ये हमारे सनी सर हैं, ये आसना है, ये आसना ने बनाई है, ये गणेश जी की पेंटिंग, ये शालिनी है, शालिनी ने बनाई है सीनियरी, और ये हमारी अंजलि है, ये भी है सीनियरी में चिड़िया का पेंटिंग्स बनाई है। आप इधर देख रहे हैं सभी ने, ये रविन्द्र टैगोर जी का बनाए हैं, ये दुर्गा माँ का तस्वीर बनाए हैं, ये हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं, और सभी ने हमें कोऑपरेट किया, और मैं आज 3 दिनों से लगातार इन सभी को पेंटिंग से सिखा रहा हूँ। और पेंटिंग से सीखने के बाद इन लोगों को क्या लगा, आप एक बार इन लोग से बात कर लें, तो कैसा लगा तुमको बताओ? बहुत अच्छा लगा। आसना तुमको कैसा अच्छा लगा? अच्छा। क्या तुम दोबारा सीखना चाहेगी? यस सर। और अब जो तुमने सीखी है क्या इंडिपेंडेंट होके बना सकती है? यस सर। बिल्कुल। तो आप सभी ने देखा कि ये लोगों ने जो सीखा 3 दिनों में, ये इंडिपेंडेंट होकर के बना सकती है। और इस पेंटिंग में इन लोगों ने कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया, कोई रंग का इस्तेमाल नहीं किया, ये बिल्कुल पुआल से बनाया है, सिक्की से बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप पिछले वीडियो में भी देख रहे थे कि हमारे राज भैया जो रग्बी फुटबॉल के महासचिव है भागलपुर के, उन्होंने भी जो है पेंटिंग्स बनवाई थी, और आज आप भी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हो ना हो कल आपके यहाँ भी हम ट्रेनिंग देने आएंगे, जरूर आपके बच्चों को सिखाएंगे। धन्यवाद।